वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 7 का इतिहास का ये पहला चैप्टर है, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर में पढ़ना हमें है कि कहाँ, क्या, कब था और कैसे उत्पत्ति हुई। यह सही इतिहास के बारे का यह पहला चैप्टर है। तो आपके बुक में कुछ याद रखने योग्य नए शब्द दिए गए हैं, ठीक है, याद रखने योग्य कुछ नए शब्द दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा आप सबको। लिखा हुआ है मध्यकाल में बताई गई है कि मध्य अर्थात बीच के युग से संबंधित, बीच वाले युग को मध्यकाल का नाम दिया गया है। भारतीय इतिहास में मध्यकाल 700 ईस्वी से लेकर 1750, भारत में जो मध्यकाल का जो समय रहा वह 700 से लेकर 750 तक रहा। यह प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का समय रहा। यह समय जो था प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का। ऐसे इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। तो प्राचीन काल का इतिहास आप क्लास 6 में स्टडी कर चुके हैं, अब यहाँ क्लास 7 में मध्यकाल के इतिहास के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो वैसा काल जो 700 से लेकर 750 ईस्वी तक का समय माना गया, यह जो है आपका प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का जो समय माना गया वह मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है मुद्रा शास्त्र क्या है भाई? तो सम्राटों द्वारा जारी किए गए सिक्कों का अध्ययन। मुद्रा शास्त्र में बताया गया है कि पहले के मध्यकाल में जो शासन करने वाले जो राजा हुए थे, ठीक है, वो सिक्के को जारी किए थे। तो सिक्कों के बारे में अध्ययन, क्वाइंस के बारे में अध्ययन, जो सम्राट द्वारा जारी किया गया सिक्का उसका अध्ययन किया गया, उसी को कहा गया है मुद्रा शास्त्र। क्या नाम दिया गया है? मुद्रा शास्त्र, ठीक है, याद रहेगा। तीसरा है घटनाओं का विवरण। इसका मतलब है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार लिखित विवरण। घटनाओं का विवरण में जो है जितने भी इतिहास में घटनाएं घटी, ठीक है, वो घटनाओं का एक क्रमानुसार इस सीक्वेंस में लिखित विवरण प्रस्तुत किया गया, उसी को कहा गया है घटनाओं का विवरण, ठीक है। उसके बाद क्या है? जाति क्या होती है? तो समान कुल या वंश के लोगों का समूह, कुल या वंश का जो समूह बनता है उसी को जाति कहा गया है। उसके बाद है पांडुलिपि का मतलब होता है हस्तलिखित पुस्तक, ठीक है। तो मध्यकाल में जो काल रही थी, मध्यकाल का जो काल था 700 लेकर 750 ईस्वी तक का, उस समय जो है हाथों से पुस्तकें लिखी जाती थी, इसीलिए उसे पांडुलिपि कहा गया। उसके बाद आता है राजा की आत्मकथा। तो किसी राजा द्वारा स्वयं के जीवन और अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखा गया विवरण को ही कहा गया राजा की आत्मकथा। यानी राजा अपने ही बारे में, जिसको कहते हैं सेल्फ। तो राजा की आत्मकथा का मतलब किसी राजा को भी अगर राजा होता था तो अपने बारे में, स्वयं के बारे में जीवनी लिखता था और अपनी उपलब्धियों के बारे में बताता था, उसी को राजा की आत्मकथा कहा गया है। दूसरा पॉइंट है जीवनीकार या चरित्र लेखक। ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की कथा लिखता, किसी का भी जीवन लिखने वाले, आत्मकथा लिखने वाले लेखक को आपको
चरित लेखक या जीवनीकार कहा गया है। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बुक का जो है वह स्टडी करने के लिए। तो चलिए हम आपको यहाँ स्टडी करके बताएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत कहा गया। भारत के जो उपमहाद्वीप हैं उसमें कौन कौन आते हैं? तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार के भूभाग शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो शामिल देश है उसमें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को भारतवर्ष कहा जाता था। कहा गया है कि प्राचीन काल में, जो प्राचीन काल रही थी, ठीक है, तो इस प्राचीन काल में ये जो देशों का नाम दिया गया है, ठीक है, ये सारे जो हैं क्षेत्र वह भारतवर्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? भारतवर्ष। विष्णु पुराण के अनुसार महासागर यानी हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय यानी हिमाद्री के दक्षिण में स्थित देश भारतवर्ष है। कहा गया है कि विष्णु पुराण के अनुसार उत्तर में और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित भारतवर्ष है, क्योंकि यहाँ राजा भरत की सतति निवास करती है। कहा गया है कि भारत के ही राजा भरत जो थे उनके ही वंशज यहाँ निवास करते हैं, जिसे आर्यवर्त कहा गया है। क्या कहा गया? आर्यवर्त कहा गया है। देखिए, आर्यवर्त कहा गया है। किंतु इससे केवल उत्तर भारत के क्षेत्र यानी हिमालय से पश्चिम विंध्य पर्वत, जिसको विंध्याचल कहा जाता है, तक फैली आर्यों की निवासी भूमि ही सूचित होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत उपमहाद्वीप जो है वो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के भाग को मिला करके बना था, और प्राचीन काल में इसे सभी को मिला करके जो है भारतवर्ष कहा जाता था। विष्णु पुराण के अनुसार महासागर हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय यानी हिमाद्री के दक्षिण में स्थित देश भारतवर्ष है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनानियों ने भारत को इंडोस नाम दिया है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किसने जो है भारत को इंडोस नाम दिया, तो आपको बताना होगा यूनान, यूनानियों ने। 13वीं शताब्दी में मिहांज ए सिराज द्वारा रचित ऐतिहासिक विवरण में मोहम्मद गोरी के हिंदुस्तान विजय का उल्लेख किया गया है। अपने इस विवरण में उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों के लिए किया है। प्रथम मुगल सम्राट बाबर, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर, 1526 में बाबर का जन्म हुआ था और 1530 तक उसने शासन किया। तो 1526 से लेकर 1530 के बारे में बताया गया है कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया। हिंदुस्तान का प्रयोग करने वाले बाबर ही सर्वप्रथम सम्राट थे। उसने अपनी कथा बाबरनामा, आपसे आ सकता है प्रश्न में कि बाबरनामा जो है, नामा की रचना किसने किया, तो आपको बताना होगा बाबर। तो बाबरनामा में जो है बाबर के सभी आत्मकथा लिखी हुई है। उसने भारतीय उपमहाद्वीप में घटित घटनाओं, इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों तथा वनों और पशु पक्षियों का वर्णन किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों और संघ राज्यों
क्षेत्रों के भूभाग को इंडिया यानी भारत कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया भारत किसे कहा गया है। आप यहां देख पा रहे हैं ये भारत का मानचित्र है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये भारत है और इसके बगल में आपका ये चीन है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। ये सब जो दिख रहा है ये सब इसके पड़ोसी देश रहे थे। तो इस प्रकार एक ही परिभाषा शब्द का अर्थ अलग अलग कालों में अलग अलग किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि एक ही शब्दों के लिए जो है अलग अलग कालों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया भारत के लिए। आइए एक और शब्द विदेशी पर विचार करें। आज विदेशी शब्द का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश का नहीं है। विदेशी शब्द का हम लोग उपयोग कब करते हैं, जो हमारे देश का नहीं होता उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विदेशी यूज़ करते हैं। किंतु मध्यकाल में किसी नगर या गांव में किसी बाहरी नगर या कस्बे या ग्राम में आने वाले व्यक्ति को विदेशी कहते थे। दूसरे शब्दों में विदेशी वह व्यक्ति था जिसे किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग नहीं जानते थे। उस समय विदेशी उन लोगों को कहा जाता था जो एक जगहों से दूसरे जगह जाते थे और उसे कोई नहीं जानता था, तो ऐसे लोगों को हाँ विदेशी के नाम से जाना जाता था। जैसे हम यहाँ रहते हैं, ठीक है, और दूसरे गांव में जाएंगे तो वहाँ के गांव वाले हमें तो नहीं जानेंगे, तो ऐसे को हमें वहाँ विदेशी, उस समय मध्यकाल में विदेशी का नाम दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट आता है मध्यकाल। क्या आती है, मध्यकाल। मध्यकाल का भी विभाजन किया गया है, मध्यकाल को भी क्या किया गया, विभाजन किया गया। तो देखते हैं मध्यकाल को कितने भागों में विभाजन किया गया है। प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का काल मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। यहां बताया गया है कि प्राचीन काल और आधुनिक काल का जो बीच का समय रहा है उसे जो है मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल का जो काल रहा है 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के काल को जो है मध्यकाल का नाम दिया गया है। 8वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इन दौरान भारतीयों की सोच और आचरण भी काफी बदलाव आया। अतः हमें 8वीं शताब्दी को मध्यकाल या मध्ययुग की शताब्दी मानते हैं। 8वीं जो शताब्दी रही है 8वीं शताब्दी को ही मध्यकाल या मध्ययुग के नाम से जाना जाता है। ये परिवर्तन या बदलाव अचानक किसी एक विशेष अवधि में नहीं हो गए। कुछ स्थानों पर कुछ परिवर्तन पहले दिखाई पड़े तो कुछ काफ़ी बाद में। ज़्यादातर बदलाव 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में मुगल साम्राज्य के पतन और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने के बाद प्रकट हुआ। ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि एकाएक मध्यकाल नहीं आया। मध्यकाल आने में उसे जो है पहले प्राचीन से गुजरना पड़ा, ठीक है, प्राचीन काल से गुजरते हुए तब आया मध्यकाल। और मध्यकाल के बाद जो है ऐसा बताया गया कि ज्यादातर बदलाव 18वीं शताब्दी के मध्य में
भारत में मुगल साम्राज्य का पतन जब हुआ, मुगल साम्राज्य में जब पतन हो गया और उस समय विदेशी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर रहे थे, तो उसी समय जो है इसी कारण मध्यकाल की समाप्ति 18वीं शताब्दी के मध्य में मानी जाती है। 18वीं शताब्दी में जो है बताया गया है कि 18वीं शताब्दी में ही मध्यकाल की समाप्ति होती है। इस प्रकार भारत मध्यकाल या मध्ययुग लगभग 1000 वर्षों तक चला। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत मध्यकाल का युग लगभग कितने वर्षों तक रहा, तो आपको बताना होगा लगभग कितना, 1000 वर्ष तक, जो 8वीं शताब्दी से शुरू होकर 18वीं शताब्दी में समाप्त हुआ। भारत में 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक का काल मध्यकाल या मध्य युग माना जाता है। मध्यकाल की कुछ विशेषताएं, आपसे प्रश्न आ सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मध्यकाल की विशेषताओं के बारे में बताएं। तो मध्यकाल की जो विशेषता रही है वह इस प्रकार से है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, ये मध्यकाल की विशेषता रहा है, ये मध्यकाल की विशेषता है। पहली विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता बताया गया है कि इसे प्रारंभिक मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांटा गया है। 18वीं शताब्दी के आरंभ से 13वीं शताब्दी के मध्य तक का समय प्रारंभिक मध्यकाल माना जाता है। यानी बता दिया गया कि 8वीं शताब्दी से लेकर, ठीक है, 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी, कितना, 13वीं शताब्दी के मध्यकाल को क्या कहा गया है, प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक मध्यकाल कहा गया है, प्रारंभिक मध्यकाल का नाम दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो प्रारंभिक मध्यकाल 8 से लेकर 13 शताब्दी के मध्य जो घटनाएं घटी उसे प्रारंभिक मध्यकाल माना जाता है। ठीक है, और 13वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक का यह समय उत्तर मध्यकाल माना गया है। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय समाज पर, जो भारतीय जो समाज रही थी, तो भारतीय जो समाज है, तो भारतीय समाज पर विदेशी संस्कृतियों का क्या प्रभाव पड़ा। तो बताया जाता है कि भारतीय समाज पर विदेशी संस्कृतियों का बहुत प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। तीसरा है कि इस काल के इतिहास को जानने के अनेक स्रोत, जैसे कि पुरातत्वी स्रोत, शिलालेख, सिक्के और साहित्य स्रोत आदि हमें उपलब्ध हैं। तो मध्यकाल की जो विशेषता रही है, मध्यकाल को जानने में जो हमें योगदान दिया है वह है पुरातत्व विभाग शिलालेख सिक्के और साहित्य स्रोत। ठीक है, चौथा तो है दिल्ली सल्तनत के शासक व मुगल शासक भारत में बाहर से आए थे पर यहीं नहीं बसे। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट्स आपके पास जो दिख रहे हैं उसमें बताई गई है कि प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हमारे इतिहास में जो प्रमुख जो घटनाएं घटी उसके बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया। पहला है पुराने और नए धर्म। कुछ पुराने धर्म थे तो कुछ नए धर्म भी बने थे। प्राचीन काल के आक्रमणकारियों, जैसे कि युयानियों ने भारतीय धर्मों, हिंदू या बौद्ध धर्मों को अपना लिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और वेशभूषा को भी अपना लिया। कहा गया है कि प्राचीन काल में जब भारत पर युयानियों ने आक्रमण किया, ठीक है, तो उस समय युयानी लोगों ने कुछ हिंदू धर्म को अपनाया तो कुछ बौद्ध धर्मों को भी अपना लिया, और वह यहाँ के संस्कृति और वेशभूषा को भी अपना लिया। किंतु मध्यकाल में भारत में
आने वाले तुर्कों, जिसको तुर्की कहा जाता है, अफगानों और मुगलों ने भारत में बसे जाने के बाद भी अपनी संस्कृति और अपने धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ था कि जो भी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए, ठीक है, यहाँ रहे, लेकिन भारत का न तो उसने धर्म अपनाया, न यहाँ की संस्कृति को उसने अपनाया, और न ही यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ अपना नहीं छोड़ा। भारत में इस्लाम धर्म की काफ़ी प्रसार हुआ। भारत में एक नए संप्रदाय, सिख संप्रदाय का भी उदय हुआ। भारत में बाद में भारत में ईसाई धर्म का भी प्रसार हुआ। हिंदू धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, किंतु यह भारतीय समाज का आधार और भारत का एक प्रमुख धर्म बना रहा। दूसरा पॉइंट्स आता है सामाजिक संस्कृति। पुराने और नए धर्मों को मानने वाले के बीच निरंतर संपर्क के कारण भारत में एक सामाजिक यानी मिलीजुली संस्कृति विकसित होने लगी। इसका प्रभाव भाषा, साहित्य, चित्रकला, स्थापत्य कला और मूर्तिकला पर पड़ा। यह अभी भी हमारी विरासत की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तीसरा है अस्थाई शांति। सल्तनत कालीन शासकों और महान मुगलों के शासकों में कई शताब्दियों तक भारत के एक बड़े भूभाग में स्थानीय शांति बनी रही। चौथा है सूफीवाद और भक्ति आंदोलन। इस काल में भारत में दो प्रमुख धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। इस आंदोलन के फलस्वरूप भारत में हिंदू और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के बीच समरसता उत्पन्न हुई। इन दोनों धार्मिक आंदोलनों ने प्रेम, भाईचारा, सहनिष्णुता और एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक है पर बल दिया जाता है। पांचवा पॉइंट्स है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन। प्राचीन काल के समान ही इस काल में भी हमारा समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था। अधिकांश जातियों में विवाह के बारे में अपने कुछ खास नियम थे और जाति के सदस्यों के स्वभाव, संस्कृति और परंपराओं में समानता थी। इस काल में भी ग्राम पंचायतें लोगों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाती थी और कर वसूलती थी। इस काल में महिलाओं की स्थिति पहले से और ख़राब हो गई थी। बहुविवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा महिलाओं की हीन स्थिति को सूचित करती है। हमें इस काल में नीडर राजपूत योद्धाओं के बारे में अनेक कथाएं मिलती है, ठीक है। उसके बाद है राजपूत। दो शब्दों, राजन और पुत्र से मिलकर बना है। राजपूत जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है राजन और दूसरा है पुत्र, जिसका अर्थ राजकुमार यानी राजा का पुत्र। राजा का पुत्र को ही राजपूत कहा जाता था, किंतु राजपूतों में केवल शासक वर्ग के लोग ही शामिल नहीं थे। इनमें हिंदू समाज के सभी योद्धा शामिल थे जो स्वयं को क्षत्रिय समझते थे। इस काल में मराठों, सिखों और जाटों को भी स्थिति राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत हुई। राज परिवार की के सदस्य और अमीर व प्रभावशाली लोग काफ़ी विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वे बहुत सुंदर महलों में रहते थे और महंगी पोशाक पहनते थे। अनेक अमीरों को गुलामों को रखने का शौक था। वे गुलामों को अपनी इच्छा के अनुसार खरीद और बेच भी सकते थे। कौन? राजपूत लोग। राज परिवारों के लोग अपनी विलासिता के लिए आम जनता, किसानों, दस्तरकारों और व्यापारियों से धन वसूलते थे। आम जनता अपने इलाकों के सामंतों को भी कई तरह के कर देती थी। इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप में आलू, मिर्च, चाय और कुछ अन्य नई फसलें उगाई जाती थी। तो इस तरह से जो है आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने पांच पॉइंट बताया।
छठा पॉइंट जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो हमने पहले आज पीडीएफ इस बुक का पीडीएफ भेजे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको जो है प्रश्न उत्तर को ही अपनी कॉपी में लिखनी है। यह इतिहास का है, ठीक है। तो इतिहास की कॉपी में आप इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर ही बनाएंगे और आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।